हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फंक्शंस एंड रिलेशंस में जो रिलेशंस का जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशन का क्या मीनिंग है उसको हमने डिस्कस किया था। आज जो है टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या क्या होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन। तो जैसे टाइप्स ऑफ रिलेशंस में मेनली हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल एम्प्टी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या है उनको हम आज वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और उसके बाद हम कुछ सम बेसिक एग्जांपल्स जो होंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन से रिलेटेड उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले रिलेशन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। वी नो दैट रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ऑलवेज क्या होती है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट होती है आर रिलेशन, जिसको हम कहते हैं वो हमेशा क्या होती है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी का सबसेट तो मैनी रिलेशन हमारे पास बन जाती है। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि अगर सेट ए में एम एलिमेंट है, सेट बी में एन एलिमेंट है, तो हमें पता है ए क्रॉस बी जो सेट बनता है उसमें हमारे पास एम एन एलिमेंट होते हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होती है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस वो कितनी होती है, टू रेज टू द पावर एम एन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, पॉसिबल रिलेशंस की अगर हम बात करें तो वो होती है टू रेज टू द पावर एम एन। तो वो जो पॉसिबल रिलेशंस हैं उन रिलेशंस में से उनको हमने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है कि भी अगर कोई रिलेशन उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो उसको हम रिफ्लेक्सिव कह देंगे, आइडेंटिटी रिलेशन कह देंगे, यूनिवर्सल रिलेशन कह देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम उनको डिस्कस कर रहे हैं कि हम उन रिलेशंस को किन कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, और उनके अकॉर्डिंग बड़ा अच्छा रिजल्ट बनता है। आर एज फॉलो, सबसे पहले हमारे पास रिलेशन आती है आइडेंटिटी रिलेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगी, आपको पता है वैसे तो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी रिलेशन की बात कर रहे हैं अभी हम। तो आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होगा कि सेम एलिमेंट सेम से रिलेटेड, सेम एलिमेंट सेम से रिलेटेड हो। तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या कहते हैं, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। आइडेंटिटी रिलेशन कब कहेंगे, जब सेम एलिमेंट सेम से रिलेटेड वाला जो पार्ट है वो आर के अंदर आ जाए हमारे पास। ए कोमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए इज इक्वल टू आर। आर जो रिलेशन है उस रिलेशन में हमारे पास जो एलिमेंट होंगे वो किस टाइप के हों, ए ए टाइप के हों। जैसे तो ए कोमा ए मतलब दोनों एलिमेंट सेम है, और वो जो ए है वो किसका एलिमेंट है, कैपिटल ए का एलिमेंट। तो इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। इन अदर वर्ड्स ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। कब कहेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ए इटसेल्फ, को क्या रिलेटेड टू ए, यानी ए के सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हों, तो वो केवल केवल वो रिलेशन है। तो उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ए में मेरे पास थ्री एलिमेंट हैं, 1, 2 एंड 4, और अगर मैं ये एक रिलेशन ले रहा हूं जिसमें मैं क्या कह रहा हूं, 1, 1 है, 2, 2 है, 4, 4 है, 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2, 4 इज रिलेटेड टू 4। अगर मैं आर में केवल ये थ्री एलिमेंट्स ले रहा हूं, सेट ए में भी थ्री एलिमेंट थे, आर में भी अगर ये थ्री एलिमेंट ले रहा हूं, तो ये जो रिलेशन कहलाएगी, ये रिलेशन क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी रिलेशन। ये रिलेशन क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी रिलेशन। कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, कई बार मान लो इसमें मैं साथ में एक एलिमेंट 2, 4 भी लिख देता, इनके साथ 2, 4 भी मैं लिख देता हूँ, तो कई क्या कहते हैं जी सेम एलिमेंट तो सेम से रिलेटेड है। लेकिन ध्यान रखना, सेम एलिमेंट सेम से रिलेटेड में अगर इस सेट में मेरे पास 2, 4 भी आ जाएगा तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगी। आइडेंटिटी रिलेशन केवल होगी वो रिलेशन जिसमें केवल वो एलिमेंट्स होंगे कि सेम एलिमेंट सेम से रिलेटेड वाले, ए इज रिलेटेड टू ए, ए इज रिलेटेड टू ए टाइप होंगे, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लो इसमें मैं 2, 4 भी ले लेता इस कलेक्शन में, तो वो मेरी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगी। ये हमें ध्यान रखना है, कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में वो ये ध्यान रख लेते हैं सेम एलिमेंट सेम से रिलेटेड है, नो केवल ए ए अगर सेट रिलेशन को हम सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो वो ऑर्डर्ड पेयर जिनमें दोनों एलिमेंट सेम होंगे, और वो एलिमेंट किसके हैं, सेट ए के एलिमेंट हैं,
तो ये रिलेशन क्या कहलाती है? आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्स यूनिवर्सल रिलेशन सब कुछ आ जाए जिसमें। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ए ऑन ए इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब ए का एक एलिमेंट ए के सभी एलिमेंट से रिलेटेड हो। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी जो ए क्रॉस बी कहते थे या ए क्रॉस ए कह लो, आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए अगर इक्वल आ जाता है। जैसे हम कहते थे रिलेशन क्या होती है, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए कह लो या ए क्रॉस बी। लेकिन जब आर ए क्रॉस ए के इक्वल ही हो जाएगा तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। वो रिलेशन क्या कहलाएगी, यूनिवर्सल रिलेशन। यानी आप जैसे देख रहे हो फॉर एग्जाम्पल ए में मेरे पास टू एलिमेंट है, टू एंड थ्री, तो इस सेट के सभी एलिमेंट एक एक करके सबसे रिलेटेड हो जाएं। तो जैसे टू है, टू टू से भी रिलेटेड आ गया, टू जो है वो टू से भी रिलेटेड आ गया, टू थ्री से भी रिलेटेड आ गया। इसी वे में थ्री है, थ्री टू से भी रिलेटेड आ गया, थ्री थ्री से भी रिलेटेड आ गया। मतलब इस सेट के सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन कहलाएगी, ये जो रिलेशन कहलाएगी, इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। ध्यान रहे यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट है वाइड और एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन सिंपल, एम्प्टी रिलेशन मतलब ऐसी रिलेशन जिनमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, कि कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड हो ही ना। ऐसी रिलेशन कि अगर ए बी से रिलेटेड हो ही ना हमारे पास, तो इसका मतलब उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, वाइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड वाइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट ऑफ ए। मतलब एक एलिमेंट किसी भी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड हो ही ना, तो वो रिलेशन क्या कहलाएगी, नल रिलेशन, वाइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। आर इज इक्वल टू फाइव, फाइव भी एक रो से का सबसेट होता है, तो ये नल रिलेशन कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल कंसिडर ए रिलेशन ए ऑन सेट ए में मैंने क्या एलिमेंट लिया, वन टू थ्री फोर फाइव, और यहाँ रिलेशन क्या डिफाइन कर रहे हैं, एक एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड कब होगा, एक एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड कब होगा, आर रिलेशन में वो ऑर्डर्ड पेयर ए भी होंगे कि ए और बी तो ए के एलिमेंट होंगे, लेकिन ए और बी का डिफरेंस क्या हो, एक। मतलब इस रिलेशन सेट में वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिनका डिफरेंस एट आएगा। तो यहाँ नंबर है वन से लेके फाइव तक, इनमें से कोई भी दो नंबर ले लो, उनका डिफरेंस एट होगा ही नहीं। ऐसे कोई भी दो नंबर नहीं है इसमें जिनका डिफरेंस एट हो, तो इसका मतलब इस रिलेशन में मेरे पास कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ये रिलेशन मेरे पास फाइव के इक्वल आ जाएगी। मतलब इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन। ये रिलेशन क्या कहलाएगी, एम्प्टी रिलेशन। हेयर आर इज एम्प्टी सेट कि नो पेयर हैज नो पेयर ए बी सेटिस्फाइज द कंडीशन कि ए माइनस बी इज इक्वल टू एट हो जाए। ए बी का कोई भी पेयर ऐसा नहीं बनता कि ए माइनस बी एट आ जाए, तो इसका मतलब आर इज ए वॉइड रिलेशन, या इसको हम क्या कह सकते हैं, एम्प्टी रिलेशन। ध्यान रहे अभी तक वैसे हमने थ्री रिलेशंस डिस्कस की है, आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। तो कोई भी सेट हो, ए एनी सेट है हमारे पास, तो उसके लिए नॉन एम्प्टी सेट है अगर ये, तो उसके लिए एक तो फाई नल रिलेशन हमेशा ही होगी और एक यूनिवर्सल रिलेशन ए क्रॉस ए, ये दो रिलेशंस तो हमेशा एग्जिस्ट करेंगी ही करेंगी। क्या कह रहे हैं रिमार्क में, द वॉइड रिलेशन एंड द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए सेट ए आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट, आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट रिलेशन। मतलब जितनी भी रिलेशंस हैं उनमें से जो एम्प्टी रिलेशन है वो रिलेशन हमेशा क्या होती है, स्मॉलेस्ट रिलेशन, और जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो हमेशा क्या होती है, लार्जेस्ट रिलेशन ऑन ए सेट ए। और जो ये रिलेशंस हैं इन रिलेशंस को हम क्या कहते हैं, ट्रीवियल रिलेशन, क्योंकि ये तो होंगी ही होंगी, देखने की जरूरत नहीं है कि आर इजिकल टू फाइव कह दिया तो वो हमेशा एम्प्टी रिलेशन है ही है, आर इजिकल टू एक रो से कह दिया तो वो हमेशा यूनिवर्सल रिलेशन है ही है। तो ये दो रिलेशन तो ट्रीवियली होंगी होंगी, तो इन रिलेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रीवियल रिलेशन। नेक्स्ट है इनवर्स रिलेशन। आर एक रिलेशन है तो उसका इनवर्स रिलेशन क्या होगा, तो इसके लिए क्या करें, इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी देन द रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू ए, ए से बी अगर कोई रिलेशन है तो बी से ए जो रिलेशन होगी उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, इनवर्स रिलेशन। इज डिफाइंड इनवर्स रिलेशन एंड इज डिनोटेड बाई
आर इनवर्स। तो सिंपल रिजल्ट बनता है, अगर हमें आर गिवन है तो आर इनवर्स फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आर इनवर्स, जैसे आर आपके पास, आर आर इज इक्वल टू क्या होता था, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड आर, आगे तो लिखना की जरूरत नहीं, आर जो रिलेशन है वो हम ये डिफाइन करते थे, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो अब आर इनवर्स में क्या हो जाएगा, वो थी ए टू बी, आर इनवर्स क्या होगी, बी टू ए। इसमें पहला कंपोनेंट बी आ जाएगा और दूसरा कंपोनेंट ए आ जाएगा, ए ए का एलिमेंट, बी बी का एलिमेंट। और साथ में इसमें जब आर इनवर्स डिफाइन किया है तो आर इनवर्स में बी ए क्यों कहा, क्योंकि हमें पता है ए बी किसका एलिमेंट है, आर का। तो मतलब आर के जो एलिमेंट होंगे उनको फर्स्ट कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट बना दो, सेकंड कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट बना दो और सारे के सारे लिख दो, तो वो रिलेशन क्या आ जाएगी, आर इनवर्स। सिंपल, जैसे एग्जाम्पल में कह रहे हैं आर में मेरे पास ये एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, ये आर एक रिलेशन है ऑन सेट ए, तो आर इनवर्स लिखना है हमें। तो आर इनवर्स लिखने में सोचने की जरूरत नहीं है, क्या करें, सीधा लिखेंगे, या 1, 2 है तो आर इनवर्स में क्या आ जाएगा 2, 1, यहाँ 3, 4 है तो आर इनवर्स में क्या आ जाएगा ऑर्डर्ड पेयर 4, 3, यहाँ 5, 6 है तो आर इनवर्स में क्या आ जाएगा ऑर्डर्ड पेयर 6, 5, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा आर इनवर्स। आर गिवन है तो आर इनवर्स लिखने में प्रॉब्लम ही नहीं है, इजीली लिख सकते हो। अब इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या होगी, डोमेन ऑफ आर इनवर्स की क्या होगी, जो बी वाले एलिमेंट आते हैं हमारे पास, रेंज ऑफ आर। इसी वे में रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या होगी, जो डोमेन ऑफ आर है। डोमेन और रेंज के बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको आप देख लो। एग्जाम्पल बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, इफ आर इज अ रिलेशन, क्या रिलेशन है, इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन ए एक सेट है 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर मैं ये कहता हूँ ए इज रिलेटेड टू बी, इसका मतलब क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन बी। बस लिख के देख लो और बोल के देख लो, अपने आप पता चल जाएगा कि इसके एलिमेंट्स क्या क्या है। टू बी सेट में एलिमेंट क्या है, 2, 4, 5, राइट सेट आर, रिलेशन सेट आर लिखें, रिलेशन क्या है, इज ग्रेटर देन, और फिर उसके बाद आर इनवर्स लिखें। अगर आर लिख देंगे तो आर इनवर्स में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो आर रिलेशन जो है इज ग्रेटर देन क्या होगी, ए में एलिमेंट है 2, 3, 4, 5, 6, बी में एलिमेंट है 2, 4, 5, तो एक्स वाई अगर आर में कब बिलोंग करेगा, जब एक्स ए का एलिमेंट हो, वाई बी का एलिमेंट हो और एक्स क्या हो ग्रेटर देन बी, एक्स क्या हो ग्रेटर देन वाई, एक्स क्या हो ग्रेटर देन वाई। तो आप रीड कर लो, 2 is greater than 2, इज इट ट्रू, 2 is greater than 2, नहीं होता तो नहीं आएगा। 2 is 3 is greater than 2, 3 is greater than 2 होता है तो आ जाएगा। 4 is greater than 2 होता है, यस। 5 is greater than 2 होता है, यस। 5 is greater than 6 is, 6 is greater than 2, तो बाद में लिख दिया इसमें, हम पहले ही लिख सकते हैं 6, 2, यहां ना लिखते तो यहां लिख देते, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसको कहां लिखा हुआ है, पहले लिख लो बाद में लिख लो। फिर 2 का पता चल गया, फिर 3, 3 is greater than 4, नहीं है। 3 is greater than 5, नहीं है, नहीं आएगा। 4 is greater than 4, नहीं है। 4 is greater than 5, 4 is greater than 5, नहीं है। फिर 5 is greater than 5, नहीं है। 6 is greater than 4, है। 6 is greater than 4, 6 is greater than 2, लिख ही चुके हैं हम, 6 is greater than 2, 6 is greater than 5, 6 is greater than 5, तो ये मेरे पास सेट फॉर्म हो जाएगा। थ्री इज ग्रेटर देन फोर नहीं होता तो हमने 3 is greater than 4 नहीं लिखा, लेकिन जब हमने बाद में किया 4 is greater than 2, तो 4 is greater than 2 होता तो वो हमने लिख दिया। 5 is greater than 2, सारे के सारे एलिमेंट आ गए। एक एक करके सभी एलिमेंट्स को देख लो कौन सा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अब ये मेरे पास आर सेट बन जाता है, ये मेरे पास आर सेट बन गया। अब मुझे आर इनवर्स लिखने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, आर इनवर्स लिखते हुए मैं क्या लिखूंगा, या 3, 2 था तो क्या लिख दिया 2, 3, 4, 2 है तो क्या लिख दिया 2, 4, 5, 2 है तो क्या लिख दिया 2, 5, 6, 2 है तो क्या लिख दिया 2, 6, 5, 4 है तो क्या लिख दिया 4, 5, 6, 4 है तो क्या लिख दिया 4, 6, 6, 5 है तो क्या लिख दिया 5, 6। ए बी को बी ए की फॉर्म में लिख दिया तो वो क्या हो जाएगी, आर इनवर्स। तो आर इनवर्स हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं,
3, 4, 5 और सेट बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं 4, 12 एंड 15। फाइंड आर वेयर आर इज द रिलेशन एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स डिवाइड्स वाई यानी एक्स रिलेटेड टू वाई कब होगा जब एक्स वाई को डिवाइड करे फ्रॉम सेट ए टू बी, और फाइंड आल्सो आर इनवर्स। तो पहले आर फाइंड आउट कर लेते हैं, आर इनवर्स तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आर रिलेशन क्या है, एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स किसका एलिमेंट है ए का एलिमेंट और वाई किसका एलिमेंट है बी का एलिमेंट। तो एक्स वाई आर में कब बिलोंग करेगा, जब एक्स ए में हो वाई बी में हो और एक्स क्या करे वाई को डिवाइड करे। अब ये थ्री है, थ्री डिवाइड्स फोर, थ्री डिवाइड्स फोर नहीं करता तो नहीं आएगा, थ्री डिवाइड्स ट्वेल्व करता है, थ्री ट्वेल्व को डिवाइड तो आ जाएगा, थ्री डिवाइड्स फिफ्टीन करता है आ जाएगा, फोर फिर फोर डिवाइड्स फोर, फोर फोर को डिवाइड करता है, फोर डिवाइड्स ट्वेल्व करता है तो आ जाएगा, फोर डिवाइड्स फिफ्टीन नहीं करता तो नहीं लिखेंगे, फिर फाइव डिवाइड्स ट्वेल्व फोर नहीं करता, फाइव डिवाइड्स ट्वेल्व नहीं करता, फाइव डिवाइड्स फिफ्टीन करता है तो लिख देंगे, सिंपल सी बात है। तो ये आर रिलेशन आ जाएगी, और अगर आर रिलेशन आ गई तो आर इनवर्स में, यहाँ आर में थ्री और ट्वेल्व है ऑर्डर्ड पेयर, तो यहाँ ऑर्डर्ड पेयर क्या आ जाएगा ट्वेल्व थ्री, यहाँ थ्री और फिफ्टीन है तो यहाँ क्या आ जाएगा फिफ्टीन थ्री, यहाँ क्या है फोर फोर है तो फोर फोर आ जाएगा, फोर ट्वेल्व है तो ऑर्डर्ड पेयर ट्वेल्व फोर आ जाएगा, फाइव फिफ्टीन है तो फिफ्टीन फाइव आ जाएगा। तो ये रिलेशन आर इनवर्स आ जाएगी मेरे पास, वेरी इजी। नेक्स्ट रिलेशन है हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आज हम अब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन, बड़े अच्छे रिलेशन हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और इनवर्स है सॉरी आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में डिफरेंस होता है। तो प्लीज दोनों डेफिनेशन को अच्छे से अपने माइंड में क्लियर करके उसके अकॉर्डिंगली लिखें कि क्या कहना चाह रहा है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या करें, रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ ए इज रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, सेम एलिमेंट सेम से रिलेटेड हो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, दैट इज इफ ए ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। आइडेंटिटी रिलेशन में हम जब बात करते हैं तो आर इज इक्वल टू ये लिख रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर ए ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, ध्यान रहे आइडेंटिटी रिलेशन का था तो ये लिख रहे थे, लेकिन यहां हम ये नहीं लिखेंगे, ये है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो उसमें हम केवल इतना नहीं लिखते, ये भी होते हैं और इनके अलावा और एलिमेंट भी आ जाते हैं कई बार, मतलब सेम एलिमेंट सेम से रिलेटेड वाले तो होंगे ही होंगे तो वो क्या कहलाएंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसमें हम क्या करें सेम एलिमेंट सेम से रिलेटेड हो, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ए, उसके अलावा भी कोई एलिमेंट आ जाए नो इश्यू, उस रिलेशन को हम क्या कहते थे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन जो आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं उसमें केवल ए के एलिमेंट ए से रिलेटेड, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ए, केवल वो वाला पार्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल सेट ए में थ्री एलिमेंट है 1, 2 एंड 4 और रिलेशन में हम क्या ले रहे हैं, देखो 1, 2 एंड 4 है तो 1, 1 ले लिया, 2, 2 ले लिया और 4, 4 ले लिया, ये तीन तो है ही है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ए वो तो है ही है, उसके अलावा और एलिमेंट्स भी आ गए नो इश्यू, इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिलेशन क्या कहलाएगी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगी। तो ये रिलेशन क्या है रिफ्लेक्सिव, क्योंकि हमें क्या देखना है क्या सेट ए के सभी एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, बाकी कुछ है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, अगर है ए ए इज रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए सो दैट इज दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हाउएवर द रिलेशन हमने ये डिफाइन किया 1, 1, 2, 2, 4, 2, 4, 1, इसमें 4, 4 नहीं आया तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ए इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्यों, क्योंकि 4 तो ए में बिलोंग करता है लेकिन जो 4, 4 है ordered pair 4, 4 वो एस में बिलोंग नहीं करता, तो नहीं करता तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब है एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ए वो वाले सभी के सभी होने चाहिए बस, उसके अलावा क्या है क्या नहीं हमें कोई मतलब। फिर यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट इज ए रिफ्लेक्सिव, यूनिवर्सल रिलेशन तो जितनी भी रिलेशन है वो सारी की सारी है, रिफ्लेक्सिव को सिमेट्रिक को ट्रांजिटिव को। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना, द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो आइडेंटिटी रिलेशन होती है वो हमेशा क्या होती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हाउएवर द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कि अगर कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ऑन ए सेट ए तो वो जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिटी रिलेशन हो। हमारा यही जो एग्जाम्पल है, यही जो एग्जाम्पल है इसी में आप देख रहे हो कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। फोर्थ एग्जाम्पल
रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड पावर सेट, पावर सेट का पता ही है आपको, पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए पावर सेट, देन द रिलेशन आर ऑन पावर सेट। पावर सेट में रिलेशन क्या डिफाइन कर रहे हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये सेट्स ही हो जाते हैं, एक्स वाई पावर सेट में बिलोंग करते हैं तो सेट की फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए कैपिटल एक्स वाई लिख दिया। ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर कब, अगर एक्स इज सबसेट ऑफ वाई है, एक्स रिलेटेड टू वाई कब होगा, जब एक्स सबसेट ऑफ वाई हो, तो ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव, क्यों, क्योंकि सेम सेट का सबसेट होता है, एक्स इज सबसेट ऑफ एक्स तो एक्स इज रिलेटेड टू एक्स हो ही जाएगा, तो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू पी ए के लिए हमने ये रिलेशन डिफाइन किया है, और ये रिलेशन क्या होगी, रिफ्लेक्सिव होगी, क्यों होगी, सिंस एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सेम इज रिलेटेड टू सेम, एक्स इज रिलेटेड टू एक्स, तो इसका मतलब दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिमार्क बड़ा अच्छा रिजल्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, अगर कोई पूछ लेता है कि अगर कोई भी आपका ए एक सेट है जिसमें एन एलिमेंट है, तो उसमें पॉसिबल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितनी बन सकती है, पॉसिबल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट ए हैविंग एन एलिमेंट, वो क्या होती है, 2 रेज टू द पावर एन इंटू एन माइनस 1, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर 2 रेज टू द पावर एन इंटू एन माइनस 1 अगर सेट ए हैज एन एलिमेंट्स, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन, पता ही है सिमेट्रिक रिलेशन जैसे रिफ्लेक्सिव का है वैसे ही सिमेट्रिक, वेरी इजी रिलेशन, क्या कहते हैं, ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज सिमेट्रिक, कब, अगर ए रिलेटेड टू बी गिवन है, अगर ए इज रिलेटेड टू बी गिवन है तो देन बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए होना चाहिए, अगर ए इज रिलेटेड टू बी है तो क्या बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए है, अगर ऐसा है तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन, दैट इज इफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी अगर आर में बिलोंग करता है तो जो ऑर्डर्ड पेयर बी है वो भी आर में बिलोंग करना चाहिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन, वो रिलेशन क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेट ए में मेरे पास एलिमेंट है 2, 3 एंड 4 और ये रिलेशन दे दें, अब हमें ये चेक करना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं, तो इसके लिए देखें, वैसे तो सिमेट्रिक देखना है, मैं अगर देखना चाहूँ रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो इसके लिए रिफ्लेक्सिव के लिए मेरे पास यहाँ 2, 3, 4 है, तो मुझे क्या देखना होगा, 2, 2 भी इसमें हो, 3, 3 भी इसमें हो और 4, 4 भी इसमें हो, लेकिन आप देख रहे हो इसमें 3, 3 नहीं है, तो 3, 3 नहीं है तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, लेकिन हमें कोई बात नहीं, हम यहाँ सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं, और सिमेट्रिक रिलेशन चेक करने के लिए मैं आपको जो टाइप सिस्टम बता रहा हूँ वो टाइप माइंड में रखें और उसके अकॉर्डिंग ही चेक करें, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं, आप ज्यादा अपना दिमाग ना लगा के सिंपल सेम पैटर्न पे एक पैटर्न को फॉलो करो, यहां से स्टार्ट करो, 2, 2, 2, 2 सेम है तो 2, 2 है तो 2, 2 भी है उसका उल्टा, अब इसमें मेरे पास 2, 3 है तो क्या इसमें 3, 2 है, हमें ज्यादा नहीं सोचना, सीधा स्टेप बाय स्टेप चलें, 2, 3 है तो क्या इसमें 3, 2 है, आप देख रहे हो कि इसमें 3, 2 नहीं है, तो आप क्या कहोगे, 2, 3 तो एस में बिलोंग करता है लेकिन 3, 2 एस में बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन बाई चांस मान लो इसमें 3, 2 होता, इसमें मेरे पास 3, 2 होता, तो मैंने 2, 3 के बाद देख लिया 3, 2 है, फिर मैं देखता 2, 4 और 2, 4 है इसमें, तो क्या इसमें 4, 2 है, हाँ जी है इसमें 4, 2, फिर मैं देखता 4, 4 है, अगर मैं इसमें 3, 2 भी ऐड कर देता हूं तो ये रिलेशन मेरी सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगी, ज्यादा सोचने की जरूरत, मतलब एक एक करके एलिमेंट को देखना स्टार्ट करो, सेम वाले को स्किप कर दो, 2, 3 है तो क्या इसमें 3, 2 है, 2, 4 है तो क्या इसमें 4, 2 है, अगर इसमें 2, 5 है तो क्या 5, 2 है, ये मत कहना कि जी 5 ए में नहीं है, या वैसे इसमें हमें ए, हाँ, ए में 5 नहीं, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर ये जो सिमेट्रिक चेक करना है तो उसमें एलिमेंट सेम वाले को स्किप कर दो, डिफरेंट एलिमेंट में देख लो, 2, 3 है तो क्या 3, 2 है, 2, 4 है तो क्या 4, 2 है, अगर ऐसी सारी पॉसिबिलिटी आ जाती है तो इसका मतलब वो रिलेशन क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या, तो कहना ही क्या है कि वो सिमेट्रिक रिलेशन होती है, आइडेंटिटी रिलेशन भी ऑलवेज क्या होती है, सिमेट्रिक रिलेशन, ऑलवेज आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी हो जाती है, यूनिवर्सल रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी हो जाती है, तो अगर हमें नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन फाइंड आउट करनी है ऑन ए सेट ए हैविंग एन एलिमेंट, तो वो हमारे पास कितनी होती है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन 2 रेज टू द पावर n इंटू n प्लस 1 बाई 2, 2 रेज टू द पावर n इंटू n प्लस 1 बाई 2, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिमेट्रिक रिलेशन,
नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन किसको कहेंगे हम? ए रिलेशन ए ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज ट्रांजिटिव। कब? जब आपके पास ये दोनों रिजल्ट होल्ड करते हो, ए बी से रिलेटेड हो एंड बी सी से रिलेटेड हो, ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, अगर ये गिवन है तो देन ए इज रिलेटेड टू सी। ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, अगर ये गिवन है हमारे पास रिलेशन में, तो हमें चेक करना है कि क्या ए सी से रिलेटेड है। अपनी मर्जी से नहीं, पॉसिबिलिटी देखनी है। अगर ऐसा है ए बी रिलेटेड टू आर, बी सी रिलेटेड टू आर है, तो देन ये गिवन होगा, ये होना चाहिए, तो हम क्या चेक करेंगे कि क्या ए सी है आर में, ए इज रिलेटेड टू सी है आर में, फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए ए बी और सी ए के एलिमेंट है, उसके लिए अगर ऐसा है तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन। उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे एग्जांपल में सेट ए में मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4, और ये जो रिलेशन है, मुझे ये रिलेशन चेक करनी है क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे, मान लो तो 1 1 2 2 नहीं है, इसमें 2 2 नहीं है तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक देखना हो तो सेम वाले को नहीं देखना, 2 3 को देखो, 2 3 है तो क्या इसमें 3 2 है? नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, क्या ये ट्रांजिटिव है? और जब ट्रांजिटिव आपने इसको देखना है, ट्रांजिटिव आपने इसको देखना है, तो सोचिए मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग करें। क्या पहले इस एलिमेंट को ले 1 1 1 1, इसका दूसरा एलिमेंट क्या है मेरे पास? 1। क्या जो रिमेनिंग एलिमेंट है उनमें से कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका फर्स्ट कंपोनेंट 1 हो? फर्स्ट कंपोनेंट 1 नहीं है, नहीं है तो इसको नहीं देखना, भूल जाओ इसको। अब आप देखो 2 3 2 3 में यहां 3 है, तो इसके बाद आगे जितने एलिमेंट्स हैं, क्या उनमें से किसी का फर्स्ट कंपोनेंट 3 है? अगर किसी का फर्स्ट कंपोनेंट 3 नहीं है तो इसको भी भूल जाओ। लेकिन आप देख रहे हो इसमें 2 3 और ये 3 4 भी है, तो यानी 2 3 भी है मेरे पास और 3 4 भी है, ए बी और बी सी दोनों है, तो क्या इनकी हेल्प से आप देखते हो 2 4 2 और 4 को आपने देखना है, क्या ये आर में है? 2 3 के बाद 3 4 आपने देखा, तो 2 4 है जी आर में, इसका मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फिर 2 3 के बाद इसमें अगर आगे और होता 3, मान लो मेरे पास यहाँ 3 1 होता, इस सेट में 3 1 भी होता, तो मैं क्या देखता? 2 3 3 1 है, 2 3 और 3 1 है रिलेशन में, तो क्या 2 3 और 3 1 से 2 1 2 1 ये भी है? अगर नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, अगर है तो आगे वाली पॉसिबिलिटी देखेंगे एक एक करके, एक एक करके। अब मैंने 2 3 वाला देख लिया कि है, फिर मैं देखता हूँ 3 4 वाला, 3 4 में सेकंड कंपोनेंट 4 है, तो क्या इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका फर्स्ट कंपोनेंट 4 हो? कोई नहीं है, नहीं देखना। 2 4 में भी 4 का कोई नहीं, तो इसका मतलब मैंने सारे देख लिए, नहीं तो मैं ये सोचूंगा कि कहीं कोई पॉसिबिलिटी रह तो नहीं गई, कहीं कोई पॉसिबिलिटी रह गई हो जिसमें ये रिजल्ट होल्ड ना करता और मैं चुपचाप लिखाऊं कि जी ट्रांजिटिव है। तो 1 बाई 1 सबका सेकंड कंपोनेंट देखें, क्या जो सेकंड कंपोनेंट है वो किसी दूसरे का फर्स्ट कंपोनेंट है? अगर है तो आपको ये वाला रिजल्ट चेक करना है, तो ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है। लेकिन यहाँ इसने जो ये रिलेशन दिया है यहाँ 1 1 1 2 2 3 1 4, तो आप इसमें देख रहे हो 1 1 1 2 है, 1 2 तो 2 3 भी तो है ना, पहले का सेकंड कंपोनेंट 2 दूसरे का है, तो 1 2 और 2 3 है, तो 1 2 और 2 3 से मुझे क्या मिला? 1 3। क्या 1 3 है इसमें? 1 3 इसमें नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ओके, बस ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, तो यूनिवर्सल रिलेशन तो हमेशा ट्रांजिटिव रिलेशन होती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन भी ऑन नॉन एम्प्टी सेट हमेशा ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। फोर्थ जो रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, रिलेशन ऑन ए के प्लेस पर क्या ले लिया? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। R इज रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या x इज रिलेटेड टू y? कब होगा? जब x इज लेस देन y हो, तो ये ट्रांजिटिव है, सिंपल ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि अगर x लेस देन y और y लेस देन z हो, तो x तो हमेशा लेस देन z होता ही है। अगर x लेस देन y है, y लेस देन z है, तो x लेस देन z होता ही है, तो ट्रांजिटिव वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है। तो ये जो रिलेशन डिफाइन किए यहाँ, तो ये रिलेशन भी क्या होगी? ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। बड़ी अच्छी रिलेशन है, बहुत कम यूज में आती है हमारे, तो इसलिए बच्चों को पता ही नहीं होता कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है। लेकिन आगे आप ध्यान रखेंगे कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहते हैं। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज एंटी सिमेट्रिक कब?
अगर ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए हो, अगर ये दोनों गिवन है, ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए, तो ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए, केवल तभी। ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू ए, दोनों गिवन है, तो अगर ए इज इक्वल टू बी है तभी वो रिलेशन एंटीसीमेट्रिक रिलेशन होगी, अदरवाइज वो रिलेशन एंटीसीमेट्रिक रिलेशन नहीं होगी। यानी ए बी रिलेटेड टू आर, बी ए रिलेटेड टू आर है, तो इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू, इट इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी, तभी वो रिलेशन क्या कहलाएगी, एंटीसीमेट्रिक रिलेशन। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट इज नॉट एंटीसीमेट्रिक, नॉट एंटीसीमेट्रिक है तो उसमें हमें क्या दिखाना होगा, ए बी आर में बिलोंग करता है, बी ए आर में बिलोंग करता है, लेकिन ए और बी इक्वल नहीं है। अगर ए और बी इक्वल नहीं है तो वो रिलेशन एंटीसीमेट्रिक रिलेशन नहीं होगी। तो देन देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ये रिलेशन जो है वो एंटीसीमेट्रिक रिलेशन नहीं होगी। सो ये इसमें अगर चाहूं तो मैं इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल भी लिख सकता था, एस सेट इज इक्वल टू 1 1 2 3 3 2, ये ले लिया मैंने। देखो इस रिलेशन में 2 3 भी है और 3 2 भी है, दोनों है, लेकिन 2 और 3 इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये रिलेशन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब अगर इसमें मान लो मैंने ये लिया, अगर मान लो मैं इतना ही लेता ना, और मैं ये पूछता हूँ कि क्या ये एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई आपने ये जो पार्ट है कहीं कि जिसमें तो ए बी और बी ए तो है ही नहीं, अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन के लिए अगर ऐसे दो नंबर हैं तो देखना है कि ए इज इक्वल टू बी है या नहीं, अगर ऐसे नहीं है तो ऑटोमेटिकली इस रिलेशन को आप क्या कह दोगे, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट इज पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन, ए रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू सेम सेट ए इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को कहेंगे जब वो रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव भी हो, एंटीसिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन। अब कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक से रिलेटेड। इन एग्जांपल्स को इसलिए ऐड किया गया है ताकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो माइंड में बिल्कुल एकदम सेट हो जाए, क्योंकि हम आगे जो टॉपिक करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास, तो उनमें इन रिलेशंस का काफी यूज होता है, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो इसके लिए देखें फर्स्ट एग्जांपल में क्या कह रहे हैं, लेट आर बी रिलेशन ऑन सेट 1 2 3 4 गिवन बाय आर, आर में ये एलिमेंट है, तो देन प्रूव दैट आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव है तो इसके लिए देखो 1 है तो इसमें 1 1 है, 1 1 है, 2 है तो इसमें 2 2 है, 3 है तो 3 3 है, 4 है तो 4 4 है, तो ए सेट के सभी एलिमेंट के लिए सेम से सेम रिलेटेड वाले हैं, ए इज रिलेटेड टू ए वाले हैं, तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो गई, रिफ्लेक्सिव। और लिखने के लिए आप क्या लिखोगे, लिखने के लिए ये वर्डिंग लिख देते हैं, सेट ए है और आर है, तो वी रिफ्लेक्सिव के लिए, वी ए के लिए 1 1 भी है, 2 2 भी है, हम क्या लिख देते हैं, वी ऑब्जर्व दैट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ए ए बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव। अगर इसमें मेरे पास 3 3 नहीं होता, अगर इसमें मेरे पास 3 3 नहीं होता तो मैं क्या कह देता कि 3 ए में बिलोंग करता है बट 3 कोमा 3 का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आर में बिलोंग नहीं करता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन अब जब सारे के सारे बिलोंग करते हैं तो उसमें ये नहीं 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर, वो तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लिख सकते हैं, अदरवाइज हम क्या लिखेंगे, वी ऑब्जर्व दैट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ए ए ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। फिर हमें प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। देखो सिमेट्रिक है या नहीं, इसके लिए आपको चेक करने के लिए मैंने बताया था क्या करना है, 1 2 है तो देखो क्या 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है, ये है 2 से स्टार्ट होने वाला, तो 1 2 और 2 2 दोनों है तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है, 1 2 सिमेट्रिक के लिए, सॉरी सॉरी ट्रांजिटिव नहीं कर रहे हम, सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं। 1 2 है तो क्या इसमें 2 1 है, ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज रिलेटेड टू ए, सिमेट्रिक के लिए हम बात करते हैं, तो 1 2 है क्या 2 1 है, नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। फिर हम बात करते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं, तो ट्रांजिटिव के लिए जब हमें पता है ये रिलेशन ट्रांजिटिव है तो हम ये लिखेंगे,
वी ऑब्जर्व दैट फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, अगर ए बी रिलेटेड टू आर है, बी सी रिलेटेड टू आर है, तो देन ए सी इज रिलेटेड टू आर, सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। लेकिन अगर हम चेक करते हैं, अगर हम चेक करते हैं, हमें पता है कि ट्रांजिटिव है तो हमने डायरेक्ट लिख के काम चला दिया, लेकिन हम चेक करते हैं तो पहले मैं कहां से स्टार्ट करता हूँ, वन टू से, तो वन टू है, सेकंड कंपोनेंट टू है, तो किसी का सेकंड कंपोनेंट टू है क्या, टू टू है, तो वन टू और टू टू से क्या बनता है, वन टू, यस वन टू इसमें है, वन टू इसमें है, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। फिर टू और किसी में नहीं है पहला कंपोनेंट, तो इसके लिए ओके हो गया। अब मैं आता हूं टू टू पे, टू टू पे, तो टू टू के बाद सेकंड कंपोनेंट टू है, किसी का फर्स्ट कंपोनेंट है टू, किसी का फर्स्ट कंपोनेंट टू नहीं है, तो मुझे इसके लिए भी नहीं देखना। फिर मैं ये दोनों के लिए ओके हो गया। फिर मैं वन वन के लिए देखता हूँ, वन वन में यहाँ सेकंड कंपोनेंट वन है, क्या किसी का फर्स्ट कंपोनेंट वन है, हाँ जी वन टू का है, तो वन टू का है, तो वन वन और वन टू, वन वन और वन टू से मेरे पास क्या बना, वन टू, और ये मेरे पास आर में है। फिर वन वन और वन यहाँ पे भी है मेरे पास वन थ्री में, वन वन और वन थ्री से क्या बना, वन थ्री, ये भी आर में है, वन के सारी पॉसिबिलिटी हो गई। फिर मैं आता हूँ फोर फोर पे, वन के लिए मैंने कर दिया, अब मैं आता हूँ फोर फोर पे, फोर फोर, फोर फोर, क्या किसी का फर्स्ट कंपोनेंट फोर है, नहीं है, ओके। फिर वन थ्री पे आता हूँ मैं, वन थ्री, वन थ्री, क्या किसी का फर्स्ट कंपोनेंट थ्री है, इसका है, तो वन थ्री थ्री थ्री, वन थ्री 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 से क्या बनता है, वन थ्री, वन थ्री है इसमें, वन थ्री थ्री टू, वन थ्री थ्री टू से क्या बनता है, वन टू, वन थ्री और थ्री टू को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, वन टू, जी वन टू है इसमें, तो इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फिर मैं आता हूँ थ्री थ्री, थ्री थ्री वाले में थ्री है लास्ट में, तो किसी में फर्स्ट में है थ्री, इसमें है फर्स्ट में थ्री, तो थ्री थ्री और थ्री टू, थ्री थ्री और थ्री टू से थ्री टू बन गया जी इसमें है। फिर मुझे क्या चेक करना है, थ्री टू वाला, थ्री टू सेकेंड कंपोनेंट टू है तो किसी का है टू, तो थ्री टू और क्या है टू, इसका है जी टू टू, टू टू ये दोनों है, तो इन दोनों से क्या बनता है मेरे पास, थ्री टू, हाँ जी ये भी आर में। एक एक करके सारे पेयर देख लिए, सोचने की जरूरत ही नहीं है, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम डायरेक्ट, ये नहीं सोचना होगा वन टू है तो टू से अगला देख लिया, लिखने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट देख पाएंगे हम। तो इसका मतलब वी ऑब्जर्व दैट फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी और बी सी आर में बिलोंग करते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर ए सी जो है वो आर में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शो दैट द रिलेशन आर ऑन ए सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज A is related to B if A is less than or equal to B. A is less than or equal to B reflexive होगा और transitive होगा, but not symmetric. सबको पता है, easy result है भाई, reflexive A is less than or equal to B. तो हम क्या A is less than or equal to A reflexive के लिए same element same से related, क्या A is less than or equal to A होता है, yes for every real number के लिए होता है A is less than or equal to A, तो ये true for all real numbers है, तो इसका मतलब ordered pair A R में belong करेगा, For all A belongs to R, तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो जाती है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक के लिए आपको पता है वन थ्री R में बिलोंग करता है, वन इज लेस देन और इक्वल टू थ्री, ट्रू है, लेकिन थ्री और वन जो है वो R में बिलोंग नहीं करता, नहीं करता तो ये सिमेट्रिक नहीं है भाई। अगर A इज लेस देन और इक्वल टू B है तो डज नॉट इम्प्लाई B इज लेस देन और इक्वल टू, A इज लेस देन और इक्वल टू B डज नॉट इम्प्लाई B इज लेस देन और इक्वल टू A, सो ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव हो ही जाती है। अगर ए बी आर में बिलोंग करता है और बी सी आर में बिलोंग करता है तो क्या ए सी आर में बिलोंग करेगा, ए बी आर में बिलोंग करता है इसका मतलब ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, बी सी आर में बिलोंग करता है इसका मतलब बी इज लेस देन और इक्वल टू सी, और इन दोनों को कंबाइंड करके लिखोगे ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, बी इज लेस देन और इक्वल टू सी, दोनों को कंबाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा ए इज लेस देन और इक्वल टू सी, तो ए इज लेस देन और इक्वल टू सी, इसका मतलब जो ए सी है वो किस में बिलोंग करता है, आर में, तो इसका मतलब रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, यही हम प्रूव करना चाहते थे। नेक्स्ट एग्जांपल, आर इज ए रिलेशन, लेट ए रिलेशन आर की बजाय आर वन ले रहे हैं, क्योंकि हम ए सेट जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर ले रहे हैं, तो दोनों आर में कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए यहाँ आर वन लिख दिया, वहां पे भी अगर हम चाहते तो ये जो था हमारे पास रिलेशन आर के प्लेस पर हम यहाँ आर वन लिख सकते थे, आर वन, क्योंकि आर वन रिलेशन और आर में कंफ्यूजन ना हो, सेट ऑफ रियल नंबर और रिलेशन में कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए यहाँ जहां भी हमने R लिखा है रिलेशन वहां हम आर वन लिख सकते हैं, आर वन इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, ये लगे कि रियल नंबर की कह रहे हैं, रिलेशन की कह रहे हैं,
जहां R1 है, R है, वहां R1 आ जाएगा, तो उसको आप R1 कर सकते हो। तो R1 रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं ऑन ए सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज ए इज रिलेटेड टू बी। कब होगा? अगर 1 + AB, 1 + AB फाइंड आउट करो, वो ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हम कहेंगे ए इज रिलेटेड टू बी। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी और सिमेट्रिक होगी लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगी। रिफ्लेक्सिव होगी, सिमेट्रिक होगी लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगी। तो R1 में वो ऑर्डर्ड पेयर है जिनके लिए 1 + AB ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या सेम एलिमेंट सेम से रिलेटेड होगा? क्या ए से ए से रिलेटेड होगा? भाई ए ए से रिलेटेड होगा। ए ए से रिलेटेड कब होगा? जब 1 + AB, AB का मतलब a into a square पॉजिटिव हो। हाँ जी होता ही है, ए स्क्वेयर पॉजिटिव होता है, कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं तो ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एनी रियल नंबर 1 + a into a यानी 1 + a² क्या होता है? ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर ए ए जो है वो किसमें बिलोंग करेगा? R1 में। तो इसका मतलब सेम एलिमेंट सेम से रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्सिव। सेकंड, सिमेट्रिक प्रूव करना है। अगर ए बी से रिलेटेड है तो क्या बी ए से रिलेटेड होगा? होगा ही होगा, क्योंकि ए बी से रिलेटेड कब होगा? जब 1 + AB पॉजिटिव हो। अब ए इंटू बी कहो या बी इंटू ए कहो, वैल्यू सेम होती है मल्टीप्लाई के केस में। तो जब 1 + AB पॉजिटिव है तो 1 + BA वो भी क्या होगा? पॉजिटिव। और 1 + BA भी ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? BA जो ऑर्डर्ड पेयर है वो किसमें बिलोंग करेगा? R1 में। इसका मतलब AB रिलेटेड टू R है, R1 है, तो BA रिलेटेड टू R1 है। तो इसका मतलब रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिलेशन इज सिमेट्रिक। हम ये कह रहे हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। अगर कोई रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है तो हमें सबके लिए नहीं शो करना होता, नहीं है तो हमें एक ऐसा एग्जांपल देना होता है कि AB और BC ये दोनों R1 में बिलोंग करे, बट AC जो है वो R1 में बिलोंग ना करे। ट्रांजिटिव नहीं है तो दो ऐसे रिलेशन जो इस R1 में होंगे लेकिन उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो AC रिलेशन बनेगा ऑर्डर्ड पेयर वो R1 में बिलोंग ना करे। तो इसके लिए हम क्या ले रहे हैं? -1, 0, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये R1 में है। 0, 2, ये BC मान लो। -1, 0, अब देखोगे कि R1 में बिलोंग करता है। क्यों करता है? क्योंकि क्या R1 में कब होगा? जब मैं 1 + AB, 1 + -1 × 0, -1 × 0, 0, 1 + 0, 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, यस होता है। तो इसका मतलब 1, 0 R1 में बिलोंग करता है। 0, 2 क्या R1 में बिलोंग करता है? क्या करना होगा? 1 + 0 × 2, 0 × 2, 0 × 2, 0, यानी 1 + 1, 0, 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, ये है। तो ये दोनों R1 के एलिमेंट हैं, लेकिन AB और BC R1 में है, तो क्या AC क्या बनेगा? AB और BC थे तो AC क्या बनेगा? 0, 2, AC क्या बनेगा? ये 0, AC जो बनेगा वो क्या बनेगा? -1, 2, AB -1, 0 है और ये 0, 2 है, तो AC क्या बनेगा? -1, 2, -1 और 2 जो है वो R1 में बिलोंग नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि 1 + AB -1 × 2 -2 हो जाएगा, 1 - 2 - 1 हो जाएगा, और -1 0 से बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगी। अब इस रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगी, इसके लिए हमें जो ये एग्जांपल लिया है ये याद नहीं करना कि -1 0 लेना है और 0 2 लेना है। बस एक पॉइंट माइंड में रखना है कि ये जो एलिमेंट हम लेंगे, कोई भी ले लो आप, कोई भी दो एलिमेंट ले लो, एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट जो आपके मन में आए, ये R1 के एलिमेंट लो और यहां जो एलिमेंट होगा ये R1 में नहीं होगा। उसके लिए क्या सोचना है? बस जो हमारा पहले का सेकंड कंपोनेंट और दूसरे का फर्स्ट कंपोनेंट ये 0 आ जाए, और यहां जो मैं ये एलिमेंट लिखूंगा इनमें से एक पॉजिटिव नंबर ले लूं और दूसरा नेगेटिव नंबर ले लूं और दोनों का प्रोडक्ट -1 से छोटा आ जाए। तो मैंने यहां ले लिया 3, यहां ले लिया -2, तो ये दोनों एलिमेंट ऑटोमेटिकली R1 में बिलोंग करेंगे लेकिन 3 और -2 जो है वो R1 में बिलोंग नहीं करेगा। इसमें पुट करके देखेंगे, मतलब क्या माइंड में रखें, पहले का सेकंड कंपोनेंट और दूसरे का फर्स्ट कंपोनेंट 0 लेना है, और ये जो दो एलिमेंट लेंगे
इनका प्रोडक्ट माइनस वन से छोटा लेंगे, क्योंकि वन में माइनस वन से छोटी वैल्यू ऐड करेंगे तो वो नेगेटिव में चली जाएगी और वो ट्रांजिटिव कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। मतलब मैथ्स को समझ के करेंगे तो फायदे में रहेंगे और मजा आएगा करने में, और लॉजिक के साथ करें, ये नहीं कि हवा में बात कर रहे हैं, हवा में नहीं, लॉजिकली बात करें और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें, बताएं कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा। आई होप कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।